हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो फर्स्ट पेपर था, जो बच्चे वो देकर आ चुके हैं, वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड होंगे। और अभी सभी बच्चों ने नेक्स्ट प्लान साथ साथ बना लिया होगा या बनाना होगा कि अब हमने जो नेक्स्ट हमारा पेपर टू है उसके लिए जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत जो टाइम अवेलेबल होता है, वो चाहे बीच में एक हॉलीडे साथ में आ जाती है हमें, उसको कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो गलतियां बताऊंगा जो आप सभी बहुत ध्यान रखना, अगर होती हैं हमसे तो इसका इफेक्ट पेपर नंबर 2, 3 और 4 पर भी जाता है। और वो हमें कब रियलाइज होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमें देखने को मिल जाता है और हमें याद आ जाता है उस दिन की गलती आज वो रिजल्ट दिखा रही है। तो इसलिए हमने ये दो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। तो वीडियो को जरूर देखना, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि जब हम एग्जाम देने के बाद नॉर्मली 5 बजे के बाद जब हम घर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड के ऊपर वो जो हम पेपर में करके आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाकर बैठा रहता है और वो घूमता रहता है। चाहे पेपर अच्छा हुआ हो तो भी हमारे माइंड में रहता है कि पक्का कहीं ना कहीं कंफर्म कर लूं, कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर रहा है, कुछ जो रह गया वो किस वजह से रह गया। अगर पेपर अच्छा नहीं गया, सबसे बात तो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो हमारे माइंड के ऊपर इतना नेगेटिव जो इफेक्ट है वो आ जाता है कि अगर यही पेपर अच्छा नहीं गया, मैं कहता हूं कि चाहे आपको ये लग रहा है कि आपके 40 भी नहीं आने, आपकी अटेम्प्ट भी बहुत कम है, आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट ही 40-45 की हुई है या इससे भी कम की हुई है, तो अगले पेपर देने का फायदा नहीं है, तो ये डिसीजन आपका बिल्कुल गलत रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें कब रियलाइज होती हैं, जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है। हो सकता है कि दूसरा पेपर इतना इजी आए कि आपकी एग्जेम्पशन आ जानी थी, अगर आज वो इफेक्ट ना होता तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते। तो इन बातों का खास ध्यान रखें कि पिछले पेपर का जो इफेक्ट है वो मैं मानता हूं कि आपका फर्स्ट एग्जाम से आने के बाद वो रात तक काफी ज्यादा रहता है, इसलिए जो आपके पास 5 बजे के बाद घर पे आके जो टाइम अवेलेबल होता है वो टाइम जितना भी अवेलेबल है उसमें हम ज्यादा आउटपुट नॉर्मली नहीं निकाल पाते। उसका रीजन यही है कि पिछले पेपर का इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम में कुछ ऐसी सिंपल सी चीजें पढ़नी है जो आपको लगता है कि ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल वाला काम है वो आप जो रात की रेस्ट लोगे कि अगर आप 4-5 घंटे जो सोओगे रात को तो सुबह उठकर फ्रेश माइंड से टेक्निकल चीजों को हैंडल करना शुरू करना, क्योंकि आपके पास एक पूरा हॉलीडे का दिन अवेलेबल होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एग्जाम डे वाले दिन आपका 2 बजे पेपर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम अगर हम 11, 11:30, 12 बजे का टाइम भी लेकर चलें तब तक आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो आप ध्यान रखिए अब आपने प्लानिंग कैसे करनी है। एक गलती तो हम जो नॉर्मली सभी करते हैं कि स्टार्टिंग में जो रिवाइज करना शुरू करते हैं उसको ज्यादा टाइम डिवोट करते रहते हैं और जब नेक्स्ट हॉलीडे में हम शाम के 5, 6, 7 बजते हैं तब हमें रिलाइज होता है कि चैप्टर तो गिनकर हमने अभी 2-3 ही रिवाइज किए, बाकी तो सारा सिलेबस पड़ा है, अब क्या करें। फिर हम जल्दी जल्दी 2-4 चीजें इधर देखी, 2-4 चीजें उधर देखी, सारा टाइम वेस्ट करके या चीजों को छोड़कर पेपर में चले जाते हैं। इस मेजर मिस्टेक को बचाएं और क्या करें, जो भी आपका सिलेबस है, जिन जिन चीजों को आप रिवाइज करना चाहते हो, जिन चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हो, उसको प्रॉपरली टाइम में डिवाइड करें। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे भी डिवाइड ना करें कि 2 घंटे इसको लगाने, 3 घंटे या 1 घंटा इसको लगाना है, प्रॉपर उसको विद के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको पता हो कि 1 बजे इस चैप्टर की बारी आ रही है, 3 बजे मेरी इस चैप्टर की बारी आ रही है, 3 से 4 मैंने इसको देने हैं। अगर आपने 3 से 4 के बीच का टाइम वेस्ट किया इसका मतलब ये चैप्टर किसी और चैप्टर में से टाइम मांगेगा, रेडी रहिए किस चैप्टर के साथ आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो, जहां पर ये अपनी जगह लेगा या उसको छोड़ रहे हो। ये सारी चीज अगर आप प्लान करके चलो, अगर हम टाइम का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो जिस दिन एग्जाम देकर आए हो 5 बजे के बाद आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा 4-5 घंटे सोने के लिए बहुत जरूरी है वो रखें, तभी आप सुबह के लिए अच्छी तरह से चार्ज हो पाओगे।
तो उस दिन का आप टाइम निकाल लें कि आप जो 4 घंटे या 5 घंटे डिवोट करना चाहते हो उसमें, बिल्कुल तो नहीं हो सकता लेकिन जितना इंपैक्ट पिछले पेपर का आप इग्नोर कर सकते हो कीजिए, और कंसेंट्रेशन के साथ अगले सब्जेक्ट्स को उठाइए, और नेक्स्ट डे जो आपके पास एक हॉलीडे अवेलेबल है उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करें। सोने के लिए दोबारा आपको 4-5 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन जितनी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो एक एक मिनट को अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, वो भी मैंने जैसे आपको बताया सिलेबस को डिवाइड करके, और फिर नेक्स्ट डे हमारा पेपर का होगा। तो आप अगर ऐसे डिवीजन कर चलोगे और पिछले पेपर के इंपैक्ट को छोड़ दोगे, एक मैं आपको और रीजन बताता हूं कि नॉर्मली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि अटेम्प्ट तो हमने अगर 45 या 40 की थी उस पेपर में तो पास हो गए हैं, पता नहीं कैसे पास हो गए, लेकिन उसकी वजह से जो हमने अगला पेपर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा अगर वो पढ़ लेते तो आज ग्रुप निकल जाता। हमारे 197, हमारे 190, हमारे 198 शायद इसी वजह से आए हैं। इसलिए वो दिन में आपको कोई भी ऐसी दिमाग में प्रेशर ना आए कि हमने अच्छी तरह से वो लास्ट डेज एग्जाम वाले क्यों नहीं डिवोट किए थे, तो आज वही डेज हैं, आज हम प्रेजेंट में हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई भी कह लो सेक्रीफाइस नहीं है कि हम बाद में सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए आज डट जाइए, मैक्सिमम टाइम डिवोट कीजिए, फ्री होने वाला टाइम भी आने वाला है, अभी मिलकर एंजॉय भी करेंगे, बहुत सारी बातें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन अब बुक्स को उठाइए, प्लान कीजिए, प्लानिंग के साथ अपने सेकंड पेपर में जाइए, आपको सक्सेस पक्का अचीव होगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपके सेकंड पेपर के बाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।